तो भैया पठान का टीजर आ चुका है फाइनली बहुत इंतजार के बाद, और शाहरुख खान के बर्थडे पर आया है तो हम दोनों की तरफ से शाहरुख खान को हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे चलो शुरू करते हैं, मेरे से वेट नहीं हो रहा है अभी। गो। क्या जानते हो तुम पठान के बारे में? 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं है। अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया, सुना है बहुत टॉर्चर किया उसे। पता नहीं कि पठान मर गया है या जिंदा है। ये शॉट बहुत गजब था यार। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। जेम्स बॉन्ड वाली वाइब दे रहा है मुझे। क्या बात है भाई, एक टीजर में इतने सारे एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि पूरी मूवी एक्शन पैक्ड होने वाली है भाई। हाँ, बहुत सारे एक्शन सीन्स होंगे। एक्शन तो बहुत शानदार होने वाला है इसमें। मेरे ख्याल से जो स्टार्टिंग में वो बोलते हैं कि जिंदा हूँ, मेरे ख्याल से वही इनकी एंट्री सीन होगा मूवी के अंदर। हो सकता है, बाकी हाँ जिंदा हो के बहुत सारे मीनिंग भी अगर हम देखें तो निकल सकते हैं कि भाई इसमें पठान जिंदा है और पठान की फैन फॉलोइंग भी अभी जिंदा है, कमबैक हुआ है तो उस वजह से भी जिंदा हूँ, इसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। शायद ये इसीलिए उन्होंने टीजर में फिट किया और स्टार्टिंग में दिया उनकी एंट्री के पहले। हाँ। और जो उनकी एंट्री हुई वो तो नेक्स्ट लेवल थी भाई। और वो जो गन वाला सीक्वेंस था, जो गन ऊपर से रही थी उसके साथ कैमरा मोमेंट जो हो रहा था बहुत शानदार था। और वो उसके बाद जब वो जो एक्शन होता है वहाँ पर और वहाँ से वो निकल जाते हैं, वो सीन बहुत सही था यार। और बाकी उसके अलावा भी बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस, जॉन और शाहरुख का फेस ऑफ एक वो ट्रक के ऊपर देखने को मिला। हाँ, जिसका वो कंटेनर पे दोनों फाइट होती है, जिसका शूटिंग वाला वीडियो भी मैंने देखा था पहले, 2-3 मंथ पहले देखा था वो। बाकी और भी एक वो आइस जमी हुई है उसके ऊपर जो चल रहा है। हाँ, सीक्वेंस, चेजिंग सीन, पीछे शाहरुख चल रहे हैं। हाँ, चेजिंग सीन जो चल रहा है भाई, काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है। दीपिका का भी एक्शन इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपिका का इतना एक्शन सीन्स नहीं होगा। वो हाँ। एक दो एक्शन सीन्स होंगे, वो भी उनकी एंट्री में ही होंगे ऐसा लग रहा है देख के। शायद ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी वाइब्स मुझे ऐसा लगता है जो पूरी मूवी होगी वो शाहरुख और जॉन की होगी। इसमें जो हीरो है वो बहुत तगड़ा लिया है शाहरुख खान, तो विलन भी उन्होंने उसी लेवल का दिखाया है मूवी के अंदर। इसमें एक सीन दिखाया है जिसमें जॉन और शाहरुख का फेस ऑफ हो रहा है, वहाँ पर जॉन को जिस तरह से दिखाया है लग रहा है कि वो ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग लग रहे हैं शाहरुख से। साथ में जॉन अब्राहम का जो लुक दिख रहा है वो मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना वेट लूज़ किया है इसमें। हाँ। शाहरुख खान की फिजिक के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को भी कन्वर्ट किया है, मेरे ख्याल से वेट लूज किया है। और सुनने में ये भी आ रहा है भाई इसमें सलमान खान का कैमियो तो है ही, साथ में ऋतिक रोशन का भी कैमियो हो सकता है। अब वो होगा या नहीं वो तो मूवी आएगी तभी पता चलेगा। बाकी हाँ, ट्रेलर बहुत धांसू था, जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही था। हाँ, बैकग्राउंड स्कोर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। आप बताओ आपको कैसा लगा ये ट्रेलर और हमारा रिएक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।